पंजाब की राजनीति में आज दिन भर खेला होता रहा। सुबह पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के बीच विभागों के बंटवारे का ऐलान किया तो कुछ देर बाद ही खबर आ गई कि कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह दिल्ली जा रही हैं। अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचते उससे पहले ही सिद्धू का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिल्ली पहुंच गया। तो आखिर सिद्धू ने क्यों दिया प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा, देखिए ये रिपोर्ट। 18 जुलाई को कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब में अचानक ही प्रदेश अध्यक्ष पद से सुनील जाखड़ को हटाकर नवजोत सिंह सिद्धू को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया वो भी सिद्धू के करीबी ही थे। वैसे नवजोत सिंह सिद्धू की नजरें अध्यक्ष पद पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद पर थीं, लेकिन उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह से कुर्सी लेना आसान नहीं दिख रहा था। मगर सिद्धू ने राजनीति की चौसर पर वो चालें चली कि कैप्टन को सीएम पद छोड़ना पड़ गया। 18 जुलाई को नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था और 2 महीने बाद यानी 18 सितंबर को अमरिंदर सिंह को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन सिद्धू एक बार फिर सीएम बनने से उस समय चूक गए जब पार्टी ने एक ही व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष पद और सीएम पद देने से मना कर दिया और चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का सीएम बना दिया। वैसे चन्नी भी सिद्धू की ही पसंद थे। मंत्रिमंडल विस्तार में भी सिद्धू की छाप दिखाई दी। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने भी ऐलान कर दिया कि कांग्रेस विधानसभा का चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेगी। लेकिन जब विवाद हुआ तो सिद्धू के साथ चन्नी का नाम भी जोड़ दिया गया। सिद्धू के लिए भविष्य का रास्ता साफ दिख रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने पंजाब के भविष्य का वास्ता देते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ। समझौता करने से शख्सियत खत्म हो जाती है। मैं पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। इस्तीफा देने के बाद सिद्धू ने कहा कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिया इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि सीएम चन्नी ने आज मंत्रियों के बीच विभागों का जो बंटवारा किया उससे सिद्धू खुश नहीं थे। साथ ही कई विभागीय नियुक्तियां और ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अब देखना है कि सोनिया गांधी सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार करती हैं या फिर सिद्धू अपना इस्तीफा वापस लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान भी सामने आ गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैं पहले ही कहता था कि ये आदमी भरोसे लायक नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।